वेल फ्रेंड्स, जग्गू आरडीएक्स आप सभी का स्वागत करता है। मुझे मेरे बहुत से दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि भाई आपके चैनल का नाम जग्गू आरडीएक्स क्यों है। तो मेरा नाम है जगदीश, तो इसीलिए मुझे मेरे बहुत से दोस्त जग्गू कहते हैं, और आरडीएक्स इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थॉट्स में थोड़ा बहुत एक्सप्लोसिव कंटेंट है जो हम सभी को मानवता की ओर ले जा सकता है। तो खैर, नाम में क्या रखा है, हम काम की बात करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। दोस्तों, इस भारत देश में अभी मिड ब्रेन एक्टिवेशन नामक प्रोग्राम जो है वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। हमारे देश के हर स्टेट में ही नहीं, हर सिटी में मिड ब्रेन एक्टिवेशन की ब्रांचेस आपको दिखेंगी। तो चलिए देखते हैं कि भैया ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन आखिर होता क्या है। इसमें ये लोग छोटे बच्चों को ट्यूशन क्लासेस लगाते हैं। हो सकता है वो ट्यूशन क्लासेस वैकेशन क्लासेस हो या फिर रनिंग क्लासेस हो, जो कि स्कूल के साथ साइमल्टेनियसली चलते हैं। इनमें होता क्या है, इनमें ये लोग 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को ये लोग एडमिशन दिलाते हैं, और उन बच्चों को म्यूजिक के थ्रू या फिर गेम्स के थ्रू, इन लोगों का ऐसा दावा है, इन लोगों का ऐसा क्लेम है कि ये लोग इसके थ्रू उसका मिड ब्रेन एक्टिवेट करते हैं, या फिर कई लोग इसे 6 सेंस, या फिर कोई लोग कहते हैं इसे 5 सेंस एक्टिवेशन प्रोग्राम। इसमें सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि ये लोग उन बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग सिखाते हैं, यानी उस बच्चे के आंख पर पट्टी बंधी होगी, और आंख पर पट्टी बंधने के बाद भी वो बच्चा अपने आंखों के सामने आने वाली हर चीज को पहचान लेता है। तो ये सब देखकर जो पेरेंट्स जो है वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं, बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं, और उनके ये सारे मतलब फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया जाता है और उनको एक तरह से फंसाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे ये लोग अपने सेमिनार में क्या करते हैं। ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लोग होते हैं, जो लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन के क्लासेस चलाते हैं, वो लोग उनके क्लासेस में जो भी सीनियर बच्चे होते हैं उनका ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग करवाते हैं, यानी वो लोग आंखों पर पट्टी बांधने के बाद हमारे सामने आने वाली सारी चीजों को वो लोग पहचानते हैं, और बाकी पेरेंट्स को वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को हमारे क्लासेस में डालिए, तो आपका भी बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, उसके 5 सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके बाद वो पढ़ाई में ही नहीं हर चीज में अव्वल रहेगा, आगे बढ़ेगा, उसका बौद्धिक विकास होगा, ऐसी सारी वो लोग बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब झूठ है, बकवास है, फरेब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है। बहुत से लोगों ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम चलाए, लेकिन बहुत जगह पर वो एक्सपोज हो चुके, उनका भांडा फूट गया। तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, ब्लाइंड फोल्ड यानी आंखों पर पट्टी बांधकर सामने की चीजें पहचानना, इस बात पर कम फोकस करते हैं और ओवरऑल उसकी एकेडमिक ग्रोथ पर फोकस करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारा मकसद अपने क्लासेस में आने वाले बच्चों का ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग करवाना मकसद नहीं है, बल्कि उसका ओवरऑल एकेडमिक ग्रोथ करना कराना हमारा मकसद है। वो लोग जो भी कहे, लेकिन ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग से उन्हें एडमिशंस मिलते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो लोग अपने इनॉग्रेशन सेमिनार में इस तरह की रीडिंग करवाते हैं, और उन सारी चीज़ों को देखकर पेरेंट्स इंप्रेस होकर अपने बच्चों का एडमिशन उनके क्लासेस में कराते हैं। तो देखिए, मैं अभी यहाँ पर बात करता हूँ किस तरह से उस मिड ब्रेन एक्टिवेशन को एक्सपोज किया जा सकता है। आप देखिए, जब भी आप किसी इनॉग्रेशन सेमिनार में जाएंगे, तब आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जो है वो बच्चे आंखों पर पट्टी बांधने के बाद भी सामने आने वाली चीजों को पहचान रहे हैं। तो उसको एक्सपोज करने की 3 ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। सबसे पहले ध्यान रखिए, मैं एक बात जो कह रहा हूं उस बात पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये मेरा ही नहीं, सारे लोगों का ऐसा मानना है, मतलब जितनी भी मतलब एंटी सुपरस्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान इस दुनिया का, कोई भी इंसान आंखों पर पट्टी बांधकर सामने आने वाली चीज को नहीं पहचान सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी आपको अगर किसी डेमो में ऐसा दिखाया जाता है, तो आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले देखिए, जितनी भी से फॉर एग्जाम्पल जो भी बच्चा आपके सामने आएगा, उसके आंखों पर बहुत सारा कॉटन लगाने के बाद उसके ऊपर वो लोग पट्टी लगाते हैं, उसके बाद भी वो बच्चा पहचानता है, इसका मतलब साफ है कि उस बच्चे को नीचे के ये जो गैप्स होते हैं हमारे आंखों के नीचे, जो गैप्स, एक गैप क्रिएट हो जाता है, 1 mm का हो या हो सकता है या फिर आधे mm का गैप हो सकता है, उस गैप से उस बच्चे को
नीचे की वो चीज़ जो होती है वो दिखाई देती है, यानी वो बच्चा उस चीज़ को अपने हाथों को टच करता है, फिर उसको सूंघता है और सूंघते वक्त उसे वो चीज़ दिख जाती है। तो सबसे पहले देखिए आप एक चीज़ करें कि सबसे पहले जो भी चीज़ उसके आंखों के सामने ले आते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एंगल पे, यानी इस एंगल पे लेके आइए और फिर देखिए वो बच्चा वो चीज़ नहीं पहचान पाएगा। से फॉर एग्जांपल मैं वो बच्चा हूँ और मेरे हाथ में एप्पल, मेरे आंखों के सामने एप्पल रखा जाता है इस एंगल में, तो वो बच्चा उस एप्पल को नहीं पहचानेगा, लेकिन जैसे ही वो एप्पल यहाँ पे आएगा वो पहचान लेगा कि ये एप्पल है, बिकॉज ऑफ नीचे के एंगल से उसको दिखता है इसीलिए वो पहचानता है। सबसे पहले दोस्तों मेरी बात ध्यान दे के सुनिए, और अगर ये ट्रिक अगर काम नहीं करे तो सेकेंड ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि स्विमिंग पूल का जो चश्मा आता है, स्विमिंग पूल का जो चश्मा, ध्यान दे के सुनिए, स्विमिंग पूल के चश्मे पे काला रंग लगाकर उसे कम्प्लीटली ब्लाइंड बना दीजिए, स्विमिंग पूल का चश्मा, और वो उस बच्चे को पहनाइए, उसके बाद देखिए वो बच्चा सामने आने वाली चीज़ को नहीं पहचान पाएगा। बट हो सकता है कि अगर उस स्विमिंग पूल के चश्मे में थोड़े बहुत गैप्स अगर नीचे की तरफ हो तो वो बच्चा वो सामने आने वाली चीज़ को पहचान लेगा। तो इसीलिए मैं आपको थर्ड ट्रिक बताता हूँ। थर्ड ट्रिक ये है कि उस रूम में अंधेरा कर दीजिए, जहाँ पर भी आप बैठे हैं पूरी तरह से अंधेरा कर दीजिए, और अंधेरा करने के बाद उसके हाथों में कोई भी चीज़ दीजिए, नोट दीजिए या फिर कोई भी कलर का बॉल दीजिए, वो बच्चा उस चीज़ को नहीं पहचान पाएगा। दिस इज़ दी गारंटी, 100% काम करने वाली ये थर्ड ट्रिक है। और भी बहुत सारी ट्रिक है, बट सिर्फ आप एक बात का ध्यान रखें कि उसकी आईज़ नीचे की तरफ से पूरी तरह से क्लोज होनी चाहिए। डेफिनेटली आई गारंटी यू माय डियर फ्रेंड्स, वो नहीं पहचान पाएगा। तो ये सब कुछ जो कुछ ये एक्सपोज जो भी मतलब मिड ब्रेन एक्टिवेशन वालों को एक्सपोज करने के बहुत सारे वीडियोस है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए वैसे कुछ वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में एक एंटी सुपरस्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, महाराष्ट्र में एंटी सुपरस्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। उसके कई कार्यकर्ताओं ने इस तरह के स्कैम्स को सरेआम पब्लिक में एक्सपोज किया है, उसके कुछ वीडियोस में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये सब एक बहुत ही गलत है, ये सब एक फरेब है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये लोग इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के लिए एज ग्रुप जो है वो 6 साल से लेकर 14 साल के ही बच्चों को इसलिए एडमिशन दिलाते हैं क्योंकि 6 साल से 14 साल के बच्चे जो है वो इस चीज़ को नहीं पहचान पाएंगे। मतलब होता यूँ है कि अगर कोई बड़ा बच्चा अगर बड़े बच्चों को अगर वो लोग अपने क्लासेस में ट्यूशन दिलाते हैं तो वो बोल देगा कि भैया सच में मुझे बंद आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटे बच्चे इसके पीछे का जो ट्रिक है वो नहीं पहचान पाते हैं। और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तो वो भी इमोशनल हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं कि अरे वाह मेरा बच्चा बंद आंखों से ये सब कुछ पढ़ रहा है, सब कुछ उसे दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। और इस क्लासेस में जो मुझे जो बात पसंद नहीं आई है वो ये है कि वो लोग बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। वो लोग डायरेक्टली बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाते, बट इनडायरेक्टली वो लोग बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। यानी होता यूं है कि अगर बच्चा आंख पर पट्टी बांधने के बाद नीचे से देखकर वो चीज़ को पहचान रहा है तो उसके लिए तालियां बजाई जाती है, उसकी हौसला अफजाई की जाती है, उसकी तारीफ की जाती है, तो इसके बाद बच्चा खुश होता है, उससे सही में ऐसा लगने लगता है कि मुझ में कोई शक्ति आ गई है, मुझ में कोई पावर आ गई है, इसलिए मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, पहचान पा रहा हूँ और मेरे लिए लोग तालियां बजा रहे हैं, मैं हीरो हूँ। हर किसी को ऐसा लगता है कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरे लिए तालियां बजाए, तो वैसा उस बच्चे के साथ उस कम उम्र में होता है, इसलिए वो बच्चा लोगों को बताता नहीं है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे तो नीचे आँखों के नीचे के एंगल से मुझे दिख रहा था, ये बात बच्चा नहीं बताता है। इनफैक्ट मतलब बच्चा झूठ बोल रहा है, वो लोग बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं, वो भी knowingly बच्चे को बिना बताए उससे झूठ बुलवाते हैं। ये एक तरह का ट्रिक है, टेक्निक है। दूसरी बात ये लोग कहते हैं कि ये जो मिडब्रेन एक्टिवेशन का ट्रिक है ये आया है सिंगापुर से, मलेशिया से, वेस्टर्न कंट्रीज से, अभी अमेरिका उसे फॉलो कर रहा है, यूरोप उसे फॉलो कर रहा है, ये बहुत ही कामयाब ट्रिक है, ऐसा है वैसा है।
तो अगर मैं इस बात पर यही कहूंगा कि अमेरिका भी टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत सारे सुपरस्टिशंस चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर्स हैं, बहुत अंधश्रद्धाएं अमेरिका में भी है। और इसके बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज में अगर इस तरह के मिडब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पर भी किसी जग्गू आरडीएक्स की ज़रूरत है। तो दोस्तों देखिए, ये सब झूठ है, ये सब फरेब है, इसे स्यूडो साइंस कहते हैं। स्यूडो साइंस का मतलब आप विकिपीडिया पे देख लीजिएगा। ये लोग बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद अगर उस बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो चुका है, अगर उसका 5 senses डेवलप हो चुका है, तो क्या उसे गूगल में नौकरी मिली, तो क्या उसे नासा में नौकरी मिली, या फिर उस बच्चे ने ऐसा कौन सा मानव जाति के भले में ऐसा कौन सा इन्वेंशन कर दिया, इस बात का फैसला आपको करना है दोस्तों। ये जितनी भी ट्रिक्स है, ये सब झूठ है, फरेब है, और मैंने ऐसे कुछ वीडियोस के लिंक्स नीचे देकर रखे हैं। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि ये सच है, तो प्लीज़ प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसा कमेंट करें, और आपके मिडब्रेन एक्टिवेशन के सेंटर में मैं जग्गू आरडीएस खुद आपके मिडब्रेन एक्टिवेशन सेंटर में आकर आपको और आपके स्टूडेंट्स को एक्सपोज करने की हिम्मत रखता हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी मिडब्रेन एक्टिवेशन के क्लासेस चलाने वाले ओनर्स हैं, वे प्लीज़ दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, बिकॉज ऑफ इस बिजनेस में एक तरह का झूठ है, फरेब है, आप लोग दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात मैं पेरेंट्स को कह रहा हूँ, पेरेंट्स प्लीज़ 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 अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस तरह के मिडब्रेन एक्टिवेशन के क्लासेस में अपने बच्चों को मत भेजिए, और अपनी मेहनत की कमाई इस तरह से वेस्ट मत कीजिए। फिर भी अगर आपको इनविटेशन आता है किसी सेमिनार का, किसी इनॉग्रेशन प्रोग्राम का, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे यानी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले उन ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग को एक्सपोज करना है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उनको एक्सपोज कैसे करना है, तो मैंने आपको 3 tricks बताई थी। सबसे पहले ध्यान देना है कि जो भी आंखों पर पट्टी बनती है, वहाँ पर आप सेलो टेप लगा के या फिर और कुछ लगा के मेक श्योर कीजिए कि नीचे के जितने भी एंगल्स है, नीचे का ये जो भी हाफ सर्कल है, इसको पूरी तरह से आपको पैक करना है, नीचे से उनको बिल्कुल भी दिखने ना पाए। ये है पहली ट्रिक। जो भी चीज़ उनके आंखों के सामने आप रखोगे, नीचे की तरफ मत लेके आना, सामने हॉरिजॉन्टल एंगल में लेके आना। मैं गारंटी देता हूं वो बच्चा उस सामने आने वाली चीज को नहीं पहचान पाएगा। दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी दोस्तों, अगर ये फर्स्ट ट्रिक अगर काम नहीं करती है, तो सेकंड ट्रिक स्विमिंग पूल का चश्मा जो स्पोर्ट्स की दुकान में मिल जाता है, जिसकी कीमत होती है 25 से 50 रुपए, वो चश्मा लीजिए, उस पर काला कलर पोत दीजिए अंदर बाहर से दोनों तरफ से, और मेक श्योर कि उससे नहीं दिखता है, और वो चश्मा पहनाकर आप उस ब्लाइंड फोल रीडिंग को एक्सपोज करने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर कि वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। और तीसरी ट्रिक मैंने बताई थी, वो है रूम में अंधेरा कर दीजिए, वो बच्चा नहीं पहचान पाएगा। फिर भी मैं जाते जाते आपको इतना ही बताऊंगा कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम ओनर्स को ऐसा लगता है, वो लोग कहते हैं कि ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग हमारा मकसद नहीं है, ब्लाइंड फोल्ड उससे करवाना ये हमारा टारगेट नहीं है, उसकी एकेडमिक ग्रोथ हमारा टारगेट है, इसीलिए हम अभी बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग नहीं पढ़ाते। लेकिन फिर भी ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग ये वो उनका हथियार है जो दिखाकर वो लोग अपने क्लासेस में एडमिशन गैदर करते हैं, एडमिशन पा लेते हैं। एडमिशन पाने के बाद उसको म्यूजिक पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत गेम्स खिलाएंगे, और ये सब करके वो लोग सिर्फ अपना और बच्चों का और पेरेंट्स का कंप्लीटली टाइम वेस्ट करेंगे। इसमें कुछ सच्चाई नहीं है दोस्तों, प्लीज थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाइए। जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा, इस प्लेनेट में सदियों से लेकर के आज तक ऐसा कोई भी शख्स हुआ नहीं, ना कभी होगा, जो आंखों पर पट्टी बांधने के बाद बिना देखे सामने आने वाली चीज को पहचाने। ना कभी भूतकाल में ऐसा हुआ था, ना कभी वर्तमान काल में ऐसा हो रहा है, ना भविष्य काल में ऐसा होगा। प्लीज ध्यान रखिए,
इस तरह से आंखों पर पट्टी बांधकर देखना असंभव है। अगर कोई ऐसा देख रहा है तो उसके पीछे जरूर कुछ ट्रिक है। आपको खुद को ये चीजें एक्सपोज करनी है और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना है और अपनी जो मेहनत की कमाई है उसे भी बचाना है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। दोस्तों, मैं इस तरह के वीडियोस हमेशा लेकर आता रहता हूँ। मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्रिप्शन का लाल बटन ज़रूर दबाएं और सबसे पहले मेरे वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।